गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा आज अपना अगला टॉपिक है श्वसन जो अपना चल रहा था उसमें अगला टॉपिक है अपना श्वसन गुणांक यानी आर क्यू क्या है पढ़ा भी होगा आपने ये पहले श्वसन गुणांक श्वसन गुणांक क्या है कि श्वसन की क्रिया में श्वसन की जो क्रिया है उसमें मुक्त CO2 का आयतन मुक्त हुई सीवोटू जो है उसका आयतन और प्रयुक्त ओटू प्रयुक्त ओटू का आयतन शोषण की जो क्रिया है उसमें मुक्त ओटू मुक्त सीवोटू जो है उसका आयतन और प्रयुक्त सीवोटू का आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है श्वसन गुणांक कहा जाता है श्वसन किसे कहेंगे कि श्वसन की क्रिया में मुक्त सीवो का आयतन व प्रयुक्त ओ का आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है श्वसन गुणांक कहा जाता है ठीक है बेटा कितनी ऑक्सीजन कितनी सी मुक्त हुई है और कितनी सी जो है उपयोग में ली गई है उसका जो आयतन है ठीक है जो अनुपात में है वो क्या होता है उसका आरक्यू यानी श्वसन गुणांक होता है श्वसन गुणांक जो है उसका मान श्वसन गुणांक का मान जो होता है ये यानी श्वसन की क्रिया में जो भाग लेते हैं क्रियाधार जिसे उत, कहा जाता है श्वसनाधार जो है उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है श्वसनाधार जो है उसकी रासायनिक प्रकृति जो है उस पर निर्भर करता है आरक्यू का मान ठीक है बेटा आरक्यू जो है इसका मापन आरक्यू जो है इसका मापन जो है यह गैनोक्स गैनोक्स रेस् रेस्पाइरो मीटर के द्वारा किया जाता है आर्क्यू जो है इसका मापन किसके द्वारा किया जाएगा बेटा गैनोक्स रेस्पाइरोमीटर जो है उसके द्वारा आरक्यू का मापन किया जाता है ठीक बेटा अब आरक्यू जो है आरक्यू का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं कि कौन सा जो क्रियाधार है उसमें आरक्यू का मान किस प्रकार होता है ठीक बेटा जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में आर क्यू का मान कितना होता है जैसे श्वसन की जो रासायनिक समीकरण है जैसे ग्लूकोज है ये ग्लूकोज और इसमें छः ओ टू जो है ये प्रयुक्त होती है और इसमें सिक्स सी ओ टू उत्पन्न होती है सिक्स एच टू ओ और ऊर्जा मुक्त होती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक क्या हो जाएगा भाई आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा मुक्त सी ओ टू का आयतन कितना है छ सी ओ टू है प्रयुक्त ओ टू का आयतन कितना है छ ओ टू है और तो शोषण गुणांक कितना आ गया इसका एक तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका शोषण गुणांक क्या होता है एक होता है क्योंकि इस जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें जितनी ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है उतनी ही सी टू इसमें मुक्त होती है अतः इसका मान जो है वो एक होता है बेटा दूसरा जो वर्गीकरण लेते हैं वसा का वसा जो है उसका आरक्यू कितना होता है ठीक बेटा वसा जो है जैसे एक वसा लेते हैं हम सी फिफ्टी सेवन एच वन जीरो फोर ओ सिक्स ये एक वसा है जो होती है ट्राइओलिन ट्राइओलिन वसा है ये ठीक है और इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो हसी ओ टू जो है उसकी आवश्यकता होती है और इसकी रासायनिक समीकरण से 57 सेवन मुक्त होती है साथ में 52 टू एच और एनर्जी मुक्त होती है तो इसका आर क्यू क्या हो जाएगा भाई कि मुक्त CO2 कितनी है सत्तावन सत्तावन CO2 है प्रयुक्त ओटू कितनी है हसी ओटू है तो इसका जो आयतन है वो लगभग आता है जीरो पॉइंट सेवन वन तो जो वसा होती है उनका आर क्यू जो है वो पॉइंट सेवन के लगभग आता है जो भी वसा होती है उसका आर क्यू जो है वो पॉइंट सेवन होता है ठीक बेटा ये वसा हो गई वसा के बाद नंबर तीन पर हम लेते हैं कार्बनिक अमल कार्बनिक अमल जो होती हैं, उनका श्वसन गुणांक जो है आर क्यू कितना होता है और कैसे होता है जैसे बेटे कार्बनिक हम लेते हैं सी टू एच टू ओ फोर ये होता है ओग्जेलिकम ओग्जेलिक अम्ल होता है ठीक है इसमें एक अणु ओ टू का उपयोग में होता है जिससे चार अणु सी टू के उत्पन्न होते हैं दो अणु एच टू उत्पन्न होता है और एनर्जी उत्पन्न होती है ठीक बेटा अब इसका RQ क्या हो जाएगा भाई आर क्यू क्या हो जाएगा चार सी ओ टू और प्रयुक्त ओ टू क्या है एक ओ टू है तो इसका मान कितना हो जाएगा चार तो कार्बनिक अमल जो होते हैं उनका शोषण गुणांक कितना होता है चार होता है ठीक बेटा कार्बनिक अम्ल के बाद नंबर चार जो है नंबर चार पर हम लेते हैं एवाईवी वी श्वसन एवाई जो होता है उसका श्वसन गुणांक जो है वो क्या होता वी स्वसन का। है का बेटा ये है वी श्वसन यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी इसमें जिससे सी टू एच फाइव ओ एच एथिल्कोल बनेगा साथ में दो अणु जो है वो सी ओ टू के निकलते हैं अतः इसका RQ जो है वो क्या हो जाएगा कि जो है कितनी ओटू मुक्त मुक्त हुई है दो सीओ टू मुक्त हुई है प्रयुक्त क्या है ओ है अतः इसका जो शोषण गुणांक आता है वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाता है तो एवाईवी शोषण जो है उनका शोषण गुणांक जो है वो अनंत होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है ये प्रयुक्त नहीं होती है ठीक बेटा उसके बाद नंबर चार चार हो गया पांचवा जो वर्गीकरण है आरक्यू का वो लेते हैं क्रेसुलियन क्रेसुलियन जो पादप होते हैं यानी कैम जो होते हैं क्रेसुलियन पादप जो होते हैं उसमें आरक्यू का मान कितना है देख बेटा इसमें सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीन अणु भाग लेते हैं इसमें और इससे सी फोर एच सिक्स ओ फाइव यानी मैलिक अमल बनता है ये पढ़ा आपने। मैलिक अमल जो है ये बनता है साथ में दो अणु एच टू ओ के बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है यानी इस क्रिया में CO2 टू मुक्त नहीं हो रही है कि ग्लूकोज से क्या बनता है मैलिक अमल मिलता है तीन अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आता है इसका आरक्यू जो है वो कितना हो जाएगा भाई प्रयुक्त मुक्त हुई सीओ टू है वो तो क्या है जीरो है और प्रयुक्त O2 जो है वो क्या है तीन है तो इसका मान कितना हो जाएगा जीरो तो क्रेसुलियन जो पादप होते हैं उनका आरक्यू का मान क्या होगा जीरो होता है क्योंकि CO2 टू मुक्त नहीं होती है एवाईवी शोषण में ये क्या होता है अनंत होता है कार्बनिक का अमल में ये चार होता है वसा में पॉइंट सेवन होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो श्वसन गुणांक हमेशा क्या होता है एक होता है ठीक बेटा ये हो गया इसका श्वसन गुणांक ये टॉपिक अपना पूरा हो गया श्वसन गुणांक का उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें किनवन अगला टॉपिक लेते हैं श्वसन में किनवन देख बेटा किनवन की क्रिया क्या है फर्मेंटेशन किनवन यानी फर्मेंटेशन 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 यानी किनवन किनवन क्या है देख बेटा किनवन की जो क्रिया है ये एक ऐसी उपापसी क्रिया है जिसमें वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में सरकरा सरकरा का या तो कार्बनिक अमल में सरकरा जो है उसका या तो कार्बनिक अमल में या एल्कोहल एल्कोहल जो है उसमें परिवर्तन होता है जो किनवण की क्रिया है उसमें वायु की अनुपस्थिति में सरकरा या शर्करा का कार्बनिक अमल या एल्कोहल में परिवर्तन होता है कार्बनिक अमल या एल्कोहल में क्या होता है परिवर्तन होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है किणवन कहलाती है किणवन की जो क्रिया है ये एक तो पेशी पेशी की जो कोशिकाएं हैं उनमें ये होती है पेशी की जो कोशिकाएं उसके अलावा ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें यह क्रिया होती है या तो किसमें होगी पेशी की कोशिकाओं में या सूक्ष्म जीव जो है उनमें किनवण की क्रिया होती है जिसमें वायु की अनुपस्थिति में सरकरा का कार्बनिक अम्ल या एल्कोहल में परिवर्तन होता है ठीक है बेटा किनवण जो है ये एवाईवीए एवाईवीए श्वसन ही होता है किनवन जो है ये वास्तव में क्या होता है एवाईवी वी शोषण होता है यानी एवाईवी शोषण जो है ये किनवन का प्रायवाची होता है ठीक है किनवन में जो अमल बन रहा है और एल्कोहल जो बनती है इसके अलावा किनवन की क्रिया में सीवो टू भी उत्पन्न होती है भाई शर्करा का जब वायु की अनुपस्थिति में इसका विघटन होगा तो या तो कार्बनिक अमल बनेगा एल्कोहल बनेगा उसके साथ क्या मुक्त होती है CO2 टू भी मुक्त होती है ठीक है उसके बाद किनवन फर्मेंटेशन जो शब्द है यह शब्द लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया लुइस पास्चर जो थे उन्होंने किनवन शब्द का उपयोग किया था तो किनवन शब्द जो है इसका प्रथम उपयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था बेटा लुइस पास्चर जो है उसके द्वारा किया गया था किनवन शब्द का उपयोग ठीक बेटा अब लेते हैं हम किनवन के प्रकार किनवन के प्रकार कौन कौन से हैं तो किनवन में सबसे पहला जो प्रकार है हम लेते हैं एल्कोहली एल्कोहली किनवन एल्कोहली किनवन देखिए बेटा एल्कोहली किनवन जो है एक समान किनवन है जो ईस्ट में ईस्ट में और जीवाणु जो है उनमें पाया जाता है एक सामान्य किणवन है ये जो ईस्ट में और जीवाणु जो है उनमें ये पाया जाता है जैसे एक उदाहरण के रूप में तौर तो पर हम बात करें कि जैसे ये ग्लूकोज है ठीक है ये ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में जाइमेज जाइमेज जो है एंजाइम की उपस्थिति में इसका किणवन होता है जिससे सी टू एच फाइव ओ एच यानी बनती है दो अणु सी ओ टू के बनते हैं और अट्ठावन किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है तो एल्कोहलिक में एल्कोहली नाम क्यों दिया गया किसमें इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है ये अल्कोहलिक किनवन हो गया एल्कोहलिक किनवन के बाद दूसरा किनवण का हम प्रकार लेते हैं अम्ल लैक्टिक अम्ल किनवन लैक्टिक अम्ल किनवन लैक्टिक अम्ल किनवन का मतलब इस प्रकार की किनवन में या एवाईवी शोषण में क्या बनेगा लैक्टिक अम्ल जो है उसका निर्माण होता है ठीक है बेटा कैसे जैसे सी एच थ्री सीओ सी एच है पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल है ये ठीक है और ये टू एन ए डी एच टू की उपस्थिति में टू एन ए डी एच टू की उपस्थिति में लैक्टिक लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो हैं, ये इस पारिविक अमल को लैक्टिक अमल सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री यानी लैक्टिक अम्ल जो है उसमें परिवर्तित कर देते हैं कौन से जीवाणु लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है ये परिवर्तित कर देते हैं किसको पार्विक अम्ल को और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है लैक्टिक अम्ल किनव कहा जाता है एल्कोहलिक किनवन का मतलब किसमें एल्कोहल का निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल किनवन का मतलब इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ठीक बेटा तीसरा जो किनवन है वो है अम्ल लैक्टिक अम्ल व एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल किनवन लैक्टिक अम्ल किनवन व एथिल एल्कोहल किनवन भाई इसका मतलब पूरा नाम इसमें यही है कि इस किनवन में लैक्टिक अम्ल भी बनेगा और साथ में क्या बनेगा एथिल एल्कोहल भी बनता है जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि पायरुविक अमल सी एस थ्री सीओ सी डब्लू एच यह क्या है पायरुविक पायरुविक अमल है ठीक है यह पायरुविक अमल जो है ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है यह पायरुविक अमल जो है उसको लैक्टिक अमल में भी बदलते हैं लैक्टिक अमल में बदलते हैं और उसे C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल में भी बदलते हैं तो लैक्टिक अमल का भी निर्माण हुआ लैक्टिक अमल जो है उसका भी निर्माण हुआ और किसका निर्माण हुआ एथिल एल्कोहल का भी निर्माण होता है अतः इसे लैक्टिक अम्ल व एथिल एल्कोहल किनव कहा जाता है ठीक बेटा उसके बाद नंबर चार पर नंबर चार पर लेते हैं हम एसिटिक एसिटिक अम्ल किनवन इसका मतलब क्या हो गया कि इस किनवन की क्रिया में एसिटिक अम्ल जो है उसका निर्माण होता है एसिटिक अम्ल किनवन और एसिटिक अम्ल किनवन देखो किस प्रकार होता है सी एस थ्री सी ओ सी एच यह तो क्या है पायरुविक अम्ल है और इस पारिक अमल को एसिटोबैक्टर 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 व एसिटोबैक्टीरियम एसिटो बैक्टीरियम एसीटोबैक्टर व एसिटोबैक्टीरियम जो जीवाणु है उसको किसमें बदल देते हैं सबसे पहले सी एस थ्री सी एच ओ और सी ओ टू में बदल देते हैं सी एच थ्री सी एच ओ का मतलब क्या होगा ये एसिड एल्डिहाइड। पहले उसे एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित करते हैं अब ये जो एसिड एल्डिहाइड बना है अब इस एसिड एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड जो है इससे जल जो है ये जुड़ता है और दो हाइड्रोजन आयन मुक्त होती हैं और क्या बनता है एसिटिक अम्ल जो है उसका निर्माण होता है सी एस थ्री सी डब्लो एच यानी एसिटिक अम्ल बनता है और इसी कारण इसे क्या नाम दिया गया एसिटिक अम्ल किनवन भाई पहले तो जो पारिविक अमल था इस पार्विक अमल को एसिटोबैक्टर व एसिटोबैक्टीरियम जो जीवाणु है वो तो उसको किसमें बदलेंगे पहले एसिड एल्डिहाइड में एसिड एल्डिहाइड जो है अब ये एसिड एल्डीहाइड किस में बदलेगा एसिटिक अमल जो है उसमें रूपांतरित हो जाता है ठीक बेटा तो ये चार प्रकार का किनवन हमने पढ़ा एल्कोहलिक किणवन जिसमें एल्कोहल बनेगा लैक्टिक अमल किनवन जिसमें लैक्टिक अमल का निर्माण होता है ठीक है एलेक्टिक अमल व एथिल एल्कोहल किनवन जिसमें लैक्टिक अमल भी बनेगा और एथिल एल्कोहल भी बनता है और एसिटिक अमल किनवन में पहले एसिड एल्डिहाइड बनेगा और फिर एसिटिक अमल का निर्माण होता है ठीक बेटा ये चार प्रकार हो गए किसके किनवन के ठीक बेटा उसके बाद पांचवा प्रकार पांचवा प्रकार जो है वो हम लेते हैं और वो है ब्यूटायरिक ब्यूटायरिक अम्ल किनवन ब्यूटारिक अम्ल किनवन देख बेटा ब्यूटारिक अम्ल किनवन का मतलब हुआ कि इस किनवन में ब्यूटारिक अमल का निर्माण होता है और इसमें कौन से जीवाणु भाग लेते हैं एक तो बेसिलस बेसिलस ब्यूटाइरिकम ब्यूटाइरिकम जीवाणु जो है यह भाग लेता है और दूसरा क्लोस्टीडियम क्लोस्टीडियम ब्यूटायरिकम ये जीवाणु जो है ये भाग लेते हैं इसमें बेसिलस ब्यूटाइरिलम और क्लोस्टीडियम ब्यूटाइरिलम जो है ये जीवाणु भाग लेते हैं और ये किस प्रकार परिवर्तित होता है इनमें कि सबसे पहले जो पाइरुविक पाइरुविक अमल जो है ये पाइरुविक अमल जो है इससे जल जुड़ता है और सी टू जो है ये बाहर निकलती है और सबसे पहले इसे बनता है एसिटो एसिटिक एसिटो एसिटिक अमल का निर्माण होता है पायरिक अमल से ठीक है अब ये एसिटो एसिटिक अमल जो है अब यह एसिटो एसिटिक अमल जो है ये किस में बदलता है ब्यूटायरिक अमल जो है इसमें रूपांतरित होता है ब्यूटारिक अम्ल किनवन का मतलब है कि इस प्रकार के किनवन में ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण होता है कैसे बनेगा पहले पायरुविक तो अम्ल, एसिटो एसिटिक अम्ल में रूपांतरित होगा और ये एसिटो तो एसिटिक अम्ल जो है ये ब्यूटारिक अम्ल में रूपांतरित होता है ठीक बेटा ये हो गया पांच प्रकार का किनवन ठीक बेटा अब इस चैप्टर का और अपने इस यूनिट जो है उसका एक लास्ट टॉपिक आता है वो आता है श्वसन श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक श्वसन की जो क्रिया है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस प्रकार प्रभावित करते हैं वो हमें देखना है जिसमें हम सबसे पहला कारक लेते हैं ओटू देखिए बेटा श्वसन की क्रिया में ओटू अति आवश्यक होती है अगर ओटू अनुपस्थित होती है अनुपस्थित है तो अनुपस्थित हो गए तो कौन सा श्वसन हो जाएगा अवायवीय श्वसन होने लगता है भाई वायवीय श्वसन के लिए ओटू जो है ये महत्वपूर्ण है अगर O2 अनुपस्थित है तो एवाईवी शोषण होने लगता है ठीक बेटा उसके बाद O2 की वह निम्न मात्रा O2 की वह निम्न मात्रा जो एवा शोषण के लिए जो एवा शोषण के लिए आवश्यक होती है एवाईवी शोषण के लिए आवश्यक होती है उसे विलोपन बिंदु कहा जाता है वो क्या कहलाती है विलोपन बिंदु यानी ऑक्सीजन की वह निम्न मात्रा जो एवाईवी शोषण के लिए आवश्यक होती है उसे विलोपन बिंदु कहते हैं और वो कितनी होती है दो से दस परसेंट दो से दस परसेंट ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो जो है उस विलोपन बिंदु कहलाती है ठीक है ओटू की सांद्रता आगे देखिए ओटू की सांद्रता जो है पांच प्रतिशत से पच्चीस से तीस प्रतिशत तक बढ़ा, बढ़ाई जाती है तो श्वसन दर भी बढ़ती है अगर ऑक्सीजन की सांद्रता जो है पांच परसेंट से बढ़ाकर पच्चीस से तीस परसेंट तक बढ़ाई जाती है तो उसमें श्वसन की दर भी बढ़ती है तो ये पहला कारक हो गया अपना O2। टू ठीक है बेटा दूसरा जो कारक है इसमें वो दूसरा कारण कारक जो आता है वो है सीवो टू कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बेटा सीवो टू की अगर सांद्रता बढ़ाई जाती है सीवो टू की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो श्वसन की दर जो है ये कम हो जाती है यानी सीओ टू की सांद्रता पर श्वसन की दर क्या हो जाती है कम क्योंकि सीओटू की सांद्रता जब बढ़ती है तो रंध्र जो है ये बंद हो जाते हैं जिससे गैसों का विनिमय नहीं हो पाता जिससे श्वसन की दर जो है ये कम हो जाती है ठीक बेटा ये सीओटू हो गई तीसरा कारक लेते हैं प्रकाश देखिए प्रकाश श्वसन को किस प्रकार प्रभावित करता है प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक होती है प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषी संश्लेषी जो उत्तक होते हैं उनमें श्वसन की दर बढ़ जाती है श्वसन की दर बढ़ जाती है किनमें प्रकाश संश्लेषी उत्तक जो है अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषी जो उत्तक है उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है प्रकाश संश्लेषी उत्तकों की श्वसन दर बढ़ जाती है उसके बाद जैसे हम कार्य बात करें कि बीज अंकुरण, बीज अंकुरण की जो क्रिया होती है उस समय लाल प्रकाश जो है उस लाल प्रकाश में श्वसन की दर बढ़ जाती है और नीले प्रकाश में नीला जो प्रकाश होता है उसमें श्वसन की दर जो है ये कम हो जाती है किन में बीज अंकुरण के समय अगर लाल प्रकाश दिया जाता है तो श्वसन दर बढ़ती है नीला प्रकाश दिया जाता है तो श्वसन दर जो है ये कम हो जाती है ठीक बेटा उसके बाद लेते हैं नंबर चार नंबर चार है तापमान कि तापमान जो है ये किस प्रकार श्वसन को प्रभावित करता है देख बेटा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर श्वसन की दर नगण्य होती है जीरो सेंटीग्रेड ताप पर शोषण दर क्या होती है नगण्य के बराबर होती है 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव जो है उसका स्कंदन होने लगता है जिसके कारण पादप की मृत्यु हो जाती है यानी 40 से 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी शोषण दर न के बराबर होता है ठीक बेटा उसके बाद हम बात करते हैं उषण कटिबंधीय उषण कटिबंधीय जो पादप होते हैं जो गर्म जलवायु में पाए जाते हैं उनके लिए अनुकूलतम तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इस ताप पर वो अधिकतम शोषण करते हैं और शीतोषण शीतोषण जो पादप होते हैं उनके लिए अनुकूलतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यानी वो इस ताप पर अधिकतम शोषण की क्रिया करते हैं दस सेंटीग्रेड ताप पर और उष्ण कटिबंधी पादप पच्चीस से तीस डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शोषण की क्रिया अधिकतम करते हैं ठीक बेटा चार हो गया नंबर पांच है जल जल जो है देखिए बेटा शुष्क बीज होते हैं जिसमें जल की कमी होती है उनकी शोषण दर जो है ये बहुत कम होती है और जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ाते हैं श्वसन दर जो है यह भी बढ़ जाती है भाई शुष्क बीज जिसमें जल की मात्रा क्या है कम है ठीक है अब जल की मात्रा कम होने के कारण उनकी श्वसन दर भी कम है लेकिन जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ाते हैं श्वसन दर जो है यह भी बढ़ जाती है नंबर छह है खनिज लवण खनिज लवण जो है देखिए बेटा खनिज लवण जो है ये पादप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और खनिज लवणों का जब अवशोषण होता है खनिज लवणों का जब अवशोषण होता है तो श्वसन दर जो है ये बढ़ जाती है यानी खनिज लवणों के अवशोषण के समय श्वसन की दर बढ़ जाती है ठीक है बेटा बस इतना ही इसमें नंबर सात जो है नंबर सात है कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ देखिए बेटा कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीन ऑक्सीन है जिब्रेलिन है जिब्रेलिन ऑक्सीन व जिब्रेलिन जो है इनकी उपस्थिति से श्वसन दर जो है ये कुछ सीमा तक बढ़ जाती है किसके कारण ऑक्सीन व जिब्रेलिन की उपस्थिति से श्वसन दर जो है ये बढ़ जाती है और आठवां और अंतिम जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है आयु देखिए बेटा आयु क्या है कि तरुण जो कोशिकाएं होती हैं युवा कोशिकाएं जो होती हैं तरुण कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में श्वसन की दर परिपक्व परिपक्व जो कोशिकाएं हैं उनसे अधिक होती है परिपक्व कोशिकाओं से क्या होती है अधिक होती है तरुण कोशिकाओं की श्वसन दर परिपक्क कोशिकाओं की श्वसन दर से क्या होती है अधिक होती है यानी तरुण कोशिकाओं में श्वसन दर अधिक होता है श्वसन दर अधिक है और परिपक्व कोशिकाओं में श्वसन दर क्या होता है कम होता है ठीक बेटा तो ये है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है आठ कारक हो गए कौन कौन से ओ टू है CO2 टू प्रकाश तापमान जल खनिज लवण कार्बनिक पदार्थ और पादप की आयु या पत्तियों की आयु जो है ये ठीक है बेटा और इसी के साथ ये अपना जो चैप्टर है श्वसन ये पूरा हो गया और इस यूनिट में दो ही चैप्टर थे एक तो प्रकाश संश्लेषण और दूसरा श्वसन ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही Thank you.